आज हमारे साथ पंजाब के सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल मौजूद है और उन्हीं के साथ साथ जो एक फिल्म आ रही है मौजा ही मौजा, उसमें लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं बिन्नू ढिल्लो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज लखनऊ पहुंचे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले हम गिप्पी ग्रेवाल से बात करते हैं। गिप्पी, ये बताइए, लखनऊ में आप पहुँचे हैं, कैसा फील आ रहा है सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा फील आ रहा है जी, और बहुत एक्साइटेड थे हम आने के लिए, क्योंकि लास्ट फिल्म जो हमारी आई कैरी ऑन जट्टा, वो यहाँ पे लोगों ने बहुत देखी, कैरी ऑन जट्टा 3, तो इतने मैसेजेस आ रहे थे इतने लोगों के, तो हमें लगा, और डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने जब बताया कि वहाँ पे इतनी फिगर आई है, इतनी फिल्म देखी जा रही है, तो हमें लगा कि यार खुद चलते हैं वहाँ पे, चल के लोगों के साथ बात करेंगे, मीडिया को मिलेंगे, सबसे पहले तो थैंक्स करेंगे कि आपने कैरी ऑन जट्टा को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो मौजा मौजा के बारे में बताएंगे, एंड अभी उसको लेके आए हैं मौजा ही मौजा, सो आपको एंजॉय कराने के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए नई चीज़। मौजा ही मौजा में जिस तरीके से मैंने देखा गिप्पी की, सबसे पहली बात तो जो पंजाबी का उसमें एक आप लोगों ने पूरा लुक दिखाया, मुझे लगता है बहुत ही हैवी दिखाया गया है। US में जहाँ तक ये पूरी लंदन में पूरी ये मूवी शूट हुई है, इसमें जो आपके तीन दोस्तों की कहानी है, एक बोल नहीं सकता, एक सुन नहीं सकता और एक देख नहीं सकता, कितना धमाल मचाने वाले हैं ये लोग? बहुत धमाल मचाएंगे जी, हम तो वैसे ही जब इकट्ठे हो जाते हैं तो धमाल मचाते हैं, और पंजाबियों के तो खून में एनर्जी इतनी है कि कहीं पे भी बैठते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, और हम जीते हैं। गल होर सुनिए, मैं कहते हैं कि पंजाबियों की जड़ी बैटरी हमेशा ही चार्ज रहती है, पूरी चार्ज रहती है, पंजाबियों की बैटरी पूरी चार्ज रहती है। हमारा क्या है सर, मुझे लगता है कि पंजाबी बहुत ज़्यादा, पंजाबी क्या है ना, ये आने वाले कल के लिए नहीं जीते, ये आज के लिए जीते हैं, जो चल रहा है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हो ना, जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम आज आए हैं तो हम लखनऊ में आने के लिए फुल एक्साइटेड थे, और लखनऊ पहुँच के फुल एक्साइटेड है, तो हम बस यहीं पे हैं अभी अभी, हमारा दिमाग दिल सब यहीं पे आ गया, यार ये लखनऊ है, अच्छा ये ऐसी बिल्डिंग है, ये है वो है ब्ला ब्ला। हाँ। अच्छा, मेरे नाल बिन्नू भी मौजूद हैं, बिन्नू ने ही जैसा बताते हैं अगर मैं अपनी जानकारी में सही हूँ, इनको जो है फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया, और अब तक ये लोग 50 से ज़्यादा हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, और ये साथ जो है जय वीरू की तरह इनका भी चलता रहे। बिन्नू, ये बताइए कम्फर्ट जोन आपका कैसा है इनके साथ काम करने में, केमिस्ट्री की बात करी जाए, कॉमेडी में आपको लगता है कम्फर्ट जोन ठीक है? पहले तो नमस्कार जी सबको, सबसे बड़ी बात मैं एक ही लफ्ज़ में पहले बताता हूँ आपको, हिज ब्रदर टू मी है ना, हिज यंगर ब्रदर टू मी, तो वहाँ सब बात ख़त्म हो जाती है ना, तो केमिस्ट्री की बात तो रह ही नहीं आती है ना, ब्रदर हम फ्रेंड से ब्रदर तक आए हैं, तो वही एक प्यार मोहब्बत है हमारे बीच में है, एक है 20-25 साल का ये रिश्ता है, तो स्क्रीन के पीछे जो हम ज़्यादा हंसते हैं, बातें करते हैं, हर चीज़ हमारी एक दूसरे से पता चलता है कि हम कैसे हैं, ये कैसे हैं, पारिवारिक संबंध है हमारे, तो वही चीज़ हमारे पर्दे पे लेके आ रहे हैं। हम जो तीसरे भाई भी हमारे इसमें बने, करमजीत अनमोल, वो बोल नहीं सकते, पर वैसे भी हम लोग जिंदगी में शुरुआतों से उसको हम बोलने भी नहीं देते, हम लोग जब हमारे साथ होते तो हम लोग बोलने भी नहीं देते, और ये भाई साहब किसी की सुनते भी नहीं है वैसे भी लाइफ में, और मैं ज्यादा देखता नहीं इधर उधर, सीधा अपना काम पे लगे, वो आपसे एकदम पूरा ताल्लुक करते हुए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे गिप्पी जी ने बोला कि वाकई मैं भी पहली बार यहाँ लखनऊ आया हूँ, और बड़ा तहजीब वाला और नवाबों का शहर है, तो बहुत शुक्रिया हमारे जो पहले 100 करोड़ की है उसके, उसमें बहुत बड़ा योगदान है लखनऊ का, तो इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है कि जाके धन्यवाद करके आए और सबको मिलके आए प्रेस के माध्यम। एक बात बताइए, पहली फिल्म जो आपकी, मतलब कि पहली फिल्म क्या कहें, कैरी ऑन जट्टा को आमिर खान ने प्रमोट किया, और ये जो आपकी मौजा ही मौजा, इसको बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने, इतना प्यार उन लोगों का आपको मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी, क्योंकि हम भी उनको बहुत प्यार देते हैं, और हमारे भाई हैं वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि मैं जिसके साथ बनती है बहुत बनती है, तो आमिर भाई से के साथ बहुत पुराना रिश्ता है बहुत टाइम से, तो सलमान भाई को भी जब से मिले हुए हैं तो बहुत प्यार सत्कार वो हमें हमेशा देते हैं, सो जितने लोगों के साथ एसोसिएटेड है, तो हम किसी, कोई भी पंजाब में आता है हम उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं, दिल खोल दे स्वागत करते हैं सबका, तो वो है, तो वो बस इतना प्यार बन गया, तो कैरी ऑन जट्टा के टाइम हमने सोचा कि ट्रेलर लॉन्च करते हैं बॉम्बे में, तो हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था कि आमिर भाई को बोलेंगे, तो एक दिन मैं हॉलीडेज पे गया हुआ था, मैक्सिको में था मैं, तो मैंने वहाँ से ऐसे ही मैसेज डाल दिया भाजी को, मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया, मैं कहा भाजी मैं बॉम्बे में ट्रेलर लॉन्च कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ पर हो तो आप आ जाना, तो आप कर देना, तो उसका मुझे इमीडिएट कॉल आ गया भाई का, तो कहते कि बता कब करना है,
तो मैंने कहा ये डेट सोच रहे हैं, कहता डन हो गया, लिख मैं आऊँगा तो बता क्या करना है ये वो। और उन्होंने ट्रेलर जब लॉन्च किया तो उससे हमें लगा कि उनके ट्रेलर लॉन्च करने से हमें रीच बहुत बड़ी मिली, जहाँ पे लोग हमें नहीं जानते थे वहाँ पे भी लोग हमें जानने लगे, हमारा ट्रेलर वहाँ तक पहुँचा। देखो उनका एफर्ट इतना बड़ा था कि उन्होंने हमारा ट्रेलर पहुँचा दिया, बट आगे तो हमारी किस्मत, अगर हमने फिल्म अच्छी बनाई होगी तो लोग देखेंगे। नहीं तो आप, मैं आपसे, मैंने जो अभी जिस तरीके से मैं ट्रेलर देख रहा था, सबसे पहली बात तो गाना तो जो है वो एकदम वाकई में मौजा ही मौजा, लास्ट में मैं इनसे दो तीन लाइनें सुनूंगा अभी। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जैसा मैं देख रहा था कि पंजाबी फिल्म अगर एक ठेठ पंजाबी जो कहा जाए समझ में नहीं आती है, लेकिन आप लोगों ने जो इसमें लैंग्वेज यूज़ करी है वो एकदम समझ में आ रही है, कनेक्ट कर रही है, इसके पीछे की क्या वजह रही? मतलब हिंदी देखने वाला भी जो है वो पंजाबी को आसानी से समझ सकता है। हम भी हिंदी को बहुत आसानी से समझते हैं, भाषा कोई बैरियर नहीं होती है ना। अब तो जैसे पैन इंडिया फिल्म, हम इतना बड़ा कैनवस पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं, जैसे अभी बोला कि सलमान जी ने देखा करे यार इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हो आप लोग, एंड वी आर ब्लेस्ड। ये पहली फिल्म हमारी कैरी ऑन जट्टा 100 करोड़ की, और उसमें हम लोग थे, ये इतिहास रचा गया, सारी तमाम उम्र अथाह जिंदगी ये रहेगा कि एक फिल्म बनी थी उसमें जो 100 करोड़ किया था, सबसे पहली फिल्म थी उसमें हम लोग थे। बिन्नू आपको लग रहा है कि जो है वो अब अपनी जो रीच के आंकड़े हैं उसको अब पार कर रहा है, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया 2010 में इन्होंने शुरुआत करी थी तो लगता था यार 9-10 करोड़ हो जाए, दिल्ली तक नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन आज आप समझिए लंदन में आपकी फिल्में शूट हो रही हैं और 100 करोड़ जो है वो एक आम हो चुका है। अब आप लोग सर लखनऊ में बैठे हैं तो इंडस्ट्री तो बढ़ रही है ना साहब, हाँ तो पहले दिल्ली तक नहीं जाते थे, अभी लंदन में शूट होने लगे तो लखनऊ देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पंजाबी मूवी के लिए। सो पैन इंडिया लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सिनेमा अपने आप में एक लैंग्वेज होता है, सब चीज़ें समझ आती हैं। हमारे साथ जो गिप्पी ग्रिवाल भी हैं, जो सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी, और ना जाने क्या क्या है, मुझे लगता है कि मेरे पास वो शब्द भी कम होंगे। अब हम लोग अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर हैं, मैं चाहूँगा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ दो तीन लाइनें, जो मौजा ही मौजा इस समय धमाल मचा रहा है, मतलब मुझे लगता है 20 मिलियन से ज्यादा व्यूवर्स पहुंच चुके हैं इसमें, प्लीज। हो मालका ना साडियां ने सिद्धियां परोचा, मौजा ही मौजा यार वे मौजा ही मौजा, साडियां मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा वाला बना दिया। और हम ये चाहेंगे कि अब जो आपकी एक अगली फिल्म हो उसको शाहरुख खान इंट्रोड्यूस करें, हमारी जो बेस्ट विशेज हैं वो आप लोगों के साथ में हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।